वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 8 है मिजबिल द ऑटर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमस फेरेना वुड बी सुटेबल फॉर। तो जो मैक्सवेल है वो इस चैप्टर के ऑथर है, राइटर है, और कैमस फेरेना क्या है, एक ऐसी जगह है जहां हर तरफ पानी ही पानी है, जैसा आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उन्होंने यार ये सोचा कि उनके पास पहले तो एक डॉग हुआ करता था जो कि मर जाता है, तो इस बार उन्होंने सोचा एक ऑटर को रखा जाए एज अ पेट, और ऑटर को पानी बहुत पसंद होता है, पानी में वो खेलते हैं और उनके घर के आसपास खूब पानी ही पानी था, तो उन्होंने सोचा चलो यार एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस बार डॉग की बजाय एक ऑटर को रख के देखते हैं। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। कैमस फेरेना इज अ प्लेस विच इज सराउंडेड बाई वॉटर। कैमस फेरेना एक ऐसी जगह है जो पानी से घिरी हुई है। सो मैक्सवेल थॉट इट वुड बी अ सुटेबल एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट रहेगा टू कीप एन ओटर। इस बार हम क्या रख लें, एक ओटर को रख लूं एज अ पैट इंस्टेड ऑफ अ डॉग। डॉग की बजाय एक ऑटर को मुझे रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does he go to Basra? वो बसरा क्यों जाते हैं? How long does he wait there and why? बसरा एक जगह है इराक में। अब होता क्या है, ये बात है 1956 की। Children, उस टाइम पे WhatsApp, Facebook, ये सब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो वो वहां पे क्यों जाते हैं और क्यों वेट करते हैं। उस टाइम पे उनका एक्चुअली उनके कंट्री से एक मेल आने वाला था, तो उन दिनों टेलीग्राफ या इस तरह के टेलीफोन चलते थे पुराने टाइम में, और 5 दिन में मतलब जो लंबी वेटिंग लगती थी क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अपने मेल का वेट करने के लिए वो वहां पे गए थे और उनको एक कॉल भी करना था। तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे, द राइटर गोज टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल। उनका मेल आने वाला था यूरोप से, ठीक है, उसको कलेक्ट करने और फिर उसका आंसर देने के लिए। ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 डेज। उनको वहां 5 दिन वेट करना पड़ा एज हिज मेल डिड नॉट अराइव, क्योंकि उनकी मेल वहां पर आई ही नहीं थी। नेक्स्ट, हाउ डज ही गेट द ऑटर, उनको ऑटर कैसे मिलता है। ही गेट्स द ऑटर थ्रू हिज फ्रेंड, उनका एक जो फ्रेंड है वो भिजवाता है, एक तरह से गिफ्ट करता है। डज ही लाइक इट, क्या उनको ऑटर पसंद आता है। यस ही लाइक्स इट, उनको बहुत पसंद आता है। पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस, आपको वो वाले वर्ड्स पिक करने हैं जिससे ये पता चलता है कि जो ऑथर है उनको ऑटर बहुत पसंद था। इट इज एविडेंट फ्रॉम द टर्म ऑटर फिक्सेशन। इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा है तो वो एक टर्म यूज करते हैं ऑटर फिक्सेशन, मतलब जब आप ऑटर रख लेते हो तो आपको उसका प्यार हो जाता है और उसके लिए वो एक टर्म यूज करते हैं ऑटर फिक्सेशन, दैट ही यूजेस टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स द ऑटर। तो किसने भेजा था, उनके फ्रेंड ने भेजा था, उनको पसंद आता है। यस yes, किन वर्ड से हमको पता चलता है, इस वर्ड से पता चलता है कि उनको ऑटर बहुत पसंद था। नेक्स्ट, वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर, उसका नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों रख दिया जाता है। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं चिल्ड्रन, जूलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर काम करते हैं, तो वो उसको ये अजीब सा नाम दे देते हैं, लेट्रोगेल परसेप्टिकुला मैक्सीवेलाई, तो ये लास्ट में मैक्सीवेलाई आ रहा है, इसीलिए ऑटर वो है और इसी नाम में से निकाल के हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स ऑटर इन शॉर्ट, इसीलिए उसे शॉर्ट में मैक्सवेल ऑटर कह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या एमसीक्यू की फॉर्मेट, टेक द राइट आंसर। इन द बिगनिंग द ऑटर वॉज, स्टार्टिंग में कैसा था, अलूफ एंड डिफरेंट, बिल्कुल अलग अलग रह रहा था, ना तो उसके पास जा रहा था या फ्रेंडली था या फिर वो उस पर अटैक कर रहा था। तो हमको पता है जब स्टार्टिंग में वो आया था ऑटर, एक दो दिन तो वो बिल्कुल इनडिफरेंट रहा और अलूफ रहा, मतलब उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल अलग अलग था, और ना ही वो ऑथर के पास जा रहा था, ना ही कोई प्यार या ऐसा नहीं है, ना ही उसके साथ कोई दुश्मनी दिखा रहा था और ना ही कोई प्यार वगैरह। What happened when Maxwell took Mizbill to bathroom? जब वो उसको बाथरूम में ले गए तो क्या हुआ, उसने वहां पे बाथ टब देखा ऐसा और पानी देखा, भाई साहब उसने खेलना उसमें चालू कर दिया और बहुत खुश हुआ। What did it do after 2 days after that? 2 दिन बाद ऑथर क्या देखते हैं कि वो खुद से ही बाथरूम में चला जाता है और वहां जो टैप लगी हुई है पानी की, है ना ये वाली, इस टैप को खुद ही वो खोल लेता है और पानी चला लेता है और नहाने लगता है। या देखो, when Maxwell took Mizbill to the bathroom for the first time, ये तो पूरी लाइन मैंने वहीं से उतारी है, the otter went mad with joy, खुशी से पागल हो गया, and played a lot in bathtub, और bathtub में खूब खेला जैसा यहाँ खेल रहा है।
आफ्टर टू डेज द ऑटर इटसेल्फ वेंट टू द बाथरूम, 2 दिन के बाद वो क्या देखता है कि ऑटर खुद ही बाथरूम में चला जाता है टू प्ले इन द वॉटर, वॉटर में खेलने के लिए, एंड ओपन द वॉटर टैप इटसेल्फ, और अपने आप ही पानी की जो टैप है उसको खोल देता है। हाउ वॉज मिजबिल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, अब देखो मिजबिल को अपने देश में ले जाना था इंग्लैंड में, तो अब इंग्लैंड में ले जाने के लिए जो ब्रिटिश एयरलाइन थी उन्होंने तो मना कर दिया कि भाई सब पैट अलाउ नहीं है, तो वो दूसरी एयरलाइन लेते हैं, लेकिन दूसरी एयरलाइन भी ये कहती है कि पैट आपका एक बॉक्स के अंदर बंद होना चाहिए ताकि वो दूसरे पैसेंजर्स को परेशान ना करे, तो वो उसके लिए एक इस तरह का एक बॉक्स अरेंज करते हैं और तब जाके उसे ले जाते हैं। मिजबिल वॉज पैक्ड इन अ बॉक्स एज द एयरलाइंस हैड डायरेक्टेड द ऑथर, मिजबिल को एक बॉक्स के अंदर पैक किया गया जैसा कि एयरलाइंस ने कहा था। As British Airlines did not allow pets, क्योंकि British Airline में तो pets allow नहीं थे, so the author had to book a ticket on a different airline. Airline का मतलब है ये जो हवाई जहाज की जो सेवा होती है, जिसमें आप हवाई जहाज से बैठ के एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक जगह से दूसरी कंट्री जाते हो, उसके लिए एयरलाइन वर्ड यूज हो रहा है। नेक्स्ट, वॉट डिड मिस डू इन द बॉक्स, अब भाई जानवर तो जानवर है, उसको ये थोड़ी पता है कि मेरी भले के लिए ही मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो जैसे ही उसको इसमें बंद करते हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और मिजबिल ट्राइड टू कम आउट ऑफ द बॉक्स, वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता है, गॉट हर्ट, इसी चक्कर में उसको चोट लग जाती है एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, थोड़ा बहुत खून भी निकलने लगता है। क्यों खून निकलने लगता है? बाय द मेटल स्ट्रिप्स ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ये जो स्ट्रिप्स थी ये मेटल की बनी हुई थी, लोहे की। वाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, हालांकि ऑटर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी मैक्सवेल दोबारा से उसको बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि बात यह उसके अलावा कोई चारा ही नहीं था भाई, अब उन्हें घर जाना है, अगर उसको बॉक्स में नहीं बंद करेंगे तो ये एयरलाइन जो है अलाउ नहीं करेगी, तो इसीलिए हालांकि जो ऑथर है उसको अच्छा नहीं लग रहा लेकिन फिर भी वो उसको दोबारा बॉक्स में बंद कर देते हैं। मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स बिकॉज ऑफ द एयरलाइन रूल, क्योंकि एयरलाइन का रूल था, रेगुलेशन था कि भैया अगर आपको अपने किसी जानवर को ले जाना है तो वो बॉक्स के अंदर बंद होना चाहिए। दूसरा, मैक्सवेल को कैसा लग रहा था, मतलब ऑथर को, मैक्सवेल फेल्ट पिटी एंड सॉरी, उसको बहुत ज्यादा दया आ रही थी फॉर ऑटर, ऑटर के लिए, बट देयर वाज नो अदर वे, लेकिन कोई दूसरा तरीका था भी तो नहीं यार, अगर ले जाना है तो फिर बंद करके ले जाना पड़ेगा। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज एक लाइक कर देना, आपके एक छोटे से लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। चिल्ड्रन मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो लाइक कर देना, 1, 2, 3, आई होप मेरे भाई आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो थैंक यू चिल्ड्रन। व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, चिल्ड्रन एयर होस्टेस कौन होती है? एयर होस्टेस होती है जो एयरप्लेन में कुछ लेडीज वगैरह काम करती है, जिनका काम होता है आपको पानी वगैरह पिलाना, आपको सीट बेल्ट बंधवाना, मतलब आपको कोई परेशानी तो नहीं है एज अ पैसेंजर, तो वो एयर होस्टेस की तारीफ करते हुए यूं क्यों कहता है कि वो बहुत ज्यादा काइंड यानी दयालु थी। द एयर होस्टेस वॉज कंसर्न्ड फॉर द ऑटर एंड अलाउड द ऑथर टू टेक आउट द ऑटर फ्रॉम द बॉक्स, जो एयर होस्टेस थी उसको शायद जानवर पसंद थे और उसको ऑटर की चिंता भी हो रही थी और उसने अलाउ कर दिया ऑथर को कि वो अपने ऑटर को बॉक्स में से निकाल ले, इसीलिए देयरफॉर, ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन में से उतारी है, मैक्सवेल सेज द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, इसीलिए वो उसके लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं। व्हाट हैड हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जैसे ही बॉक्स खुलता है क्या होता है, एज सून एज द बॉक्स वाज ओपन, जैसे ही बॉक्स खुला भाई साहब, मिजबिल जंप्ड आउट ऑफ इट, मिजबिल उसमें से निकल के भाग जाता है, ही रेन ऑल ओवर द प्लेस स्कैरिंग अदर पैसेंजर्स इन द फ्लाइट, और क्योंकि फ्लाइट में तो और भी लोग बैठे हुए थे यहाँ यहाँ यहाँ, तो सबको वो डरा देता है और पूरा एक ड्रामा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गेम हैड मिज, यहाँ पे मिज वर्ड यूज हुआ है मिजबिल यानी ऑटर के लिए, इन्वेंटेड, उसने कौन सा नया गेम ढूंढ लिया था। एक्चुअली जो राइटर है उनके पास एक पुराना सूटकेस था जो कि थोड़ा खराब हो गया था, तो ऑथर ने उसको कुछ बॉल वगैरह दे दी थी, तो वो क्या करता था, ये जो पिंग बॉल होती है इन बॉल को सूटकेस के एक हायर एंड पे रख देता था, ऊंचे वाले हिस्से पे, और फिर जो बॉल है वो ऐसे लुढ़क के नीचे आती थी धीरे धीरे करके, तो फिर यहाँ रख देता था और यहाँ से भाग के इधर आता था, बार बार इधर रखता था बॉल नीचे आती थी, तो उसने ये वाला गेम डेवलप कर लिया था खुद से। मिज इन्वेंटेड अ गेम विद द पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल क्या होती है, ये जो बॉल दिखाई दे रही है ये पिंग पोंग बॉल है। मिज वुड पुट द बॉल ऑन द हाई एंड, वो हाई एंड के ऊपर जो है बॉल को रख देता था, ठीक है, ऑफ द सूटकेस, सूटकेस के लिड,
एंड रन टू कैच द बॉल एज इट स्लिड डाउन, और जैसे ही बॉल नीचे स्लाइड डाउन करके जाती थी उसको पकड़ने के लिए वो भागता था। तो उसने ये वाला गेम डेवलप कर लिया था। वॉट आर कंपल्सिव हैबिट्स, वॉट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स स्कूल के बच्चों की और मिस। अब यहाँ पे कंपल्सिव चिल्ड्रन, अगर आप अपने स्कूल गए हो कभी या जाते हो आप स्कूल या किसी रास्ते पे चल रहे हो, अगर आपने देखा होगा इस तरह से टाइल्स बनी रहती हैं, जैसे मान के चलो टाइल्स बने, तो कुछ बच्चे जानबूझ के क्या पैटर्न बनाएंगे, वो पहला पैर इसके ऊपर रखेंगे है ना इन लाइन, दूसरा पैर भी इस लाइन, कोई मतलब नहीं है बस ऐसे ही उनको मजा आता है ना। या आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या करेंगे, जानबूझ के कोशिश करेंगे कि उनका पैर इस वाले खाने में पड़े, मतलब लाइन पे ना जाए, इस खाने पे पड़े, इस खाने पे पड़े। या फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे कि जैसे इस तरह से बॉक्स बना हुआ है तो पहला कदम इस पे रखेंगे, फिर दूसरा इस पे रखेंगे और तीसरा रखेंगे इस पे, वो एक एक छोड़ के वो चलते। तो कंपल्सिव पैटर्न है, मतलब एक ऐसा पैटर्न जो हम बिना किसी रीजन के वैसे ही फन के लिए फॉलो करते हैं, वो कंपल्सिव पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंपल्सिव हैबिट्स यूजुअली रेफर्स टू स्ट्रेंज बिहेवियरल एक्ट्स डन बाय अ पर्सन विदाउट एनी क्लियर रीजन, जो आदमी हम लोग करते हैं बिना किसी रीजन के। जैसे सम चिल्ड्रन व्हाइल वॉकिंग ऑन अ टाइल पेवमेंट ट्राई टू पुट देयर ईच फुट इन बिटवीन ऑफ द टाइल, अभी मैंने बताया था कि कुछ बच्चे चलते वक्त क्या करेंगे, हर अपने पैर को बिल्कुल बीच में रखेंगे, वो सोचते हैं कि लाइन पे हमारा पैर ना पड़े, तो ये भी एक तरह का पैटर्न है। ऐसे ही जो मिजबिल है, व्हाइल ऑन हिज वे होम, जब वो वापस आता था उसके साथ ऑथर के साथ घूमते, वो जंप ओवर द बाउंड्री वॉल, तो ऐसे जैसे मान के चलो ये घर है, वो घर से व्यू निकल रहे हैं, ठीक है, तो जाता तो बिल्कुल सीधे सीधे था, लेकिन जब आता था उनके घर के सामने जो एक बाउंड्री बनी हुई थी, आते वक्त उस बाउंड्री पे चढ़ जाता था और तब आके उतरता था, तो ये उसका एक कंपल्सिव हैबिट बन गई थी, एक आदत बन गई थी। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू, ऑटर कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ऑटर बिलोंग्स टू अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स नोन एज मस्टलाइंस, वो मस्टलाइन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। व्हाट गेसेस डिड लंडनर्स मेक अबाउट व्हाट मेज वाज, जो लंदन के जो लोग थे उन्होंने क्या गैस किए कि ये जो ऑटर है ये कौन सा जानवर है। पीपल ऑफ लंदन मेड डिफरेंट गैसेस अबाउट ऑटर, अलग अलग तरह के गैस किए, सम पीपल गैसेस रेंज फ्रॉम, किसी ने उसको बेबी सील कहा, किसी ने उसको स्क्वायरल यानी गिलहरी कहा, किसी ने उसको वॉलरस कहा, किसी ने उसको बेयर कब कहा, किसी ने लेपर्ड कहा, किसी ने हिप्पो कहा, मतलब क्योंकि वहां पे ऑटर्स मिलते नहीं है तो किसी को एक्चुअली पता नहीं था कि वो क्या है। व्हाट थिंग्स डज मिस डू which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love. कौन सी चीजों से मिज की पता चलता है कि वो intelligent है, किस चीज से पता चलता है कि वो friendly, और किस चीज से पता चलता है कि उसको भी प्यार की जरूरत है। मिज proved his intelligence when he invented his own game of ping pong. भाई जानवर होते हुए वो अपना गेम खुद से इन्वेंट कर रहा है, सूट के इसके एक साइड पे बॉल रख रहा है, दूसरी साइड बॉल आ रही है, तो इंटेलिजेंट है कि नहीं। दूसरी बात, Another example of his intelligence was when he opened the tap of the bathroom. भाई सब वो जो बाथरूम की टैप है उसने खुद ही खोल ली, खुद ही खोलना बंद करना वो सीख गया, तो इंटेलिजेंट था। He was friendly, he never harmed anyone. हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, हमको कहीं पर भी ऑथर ने ये नहीं बताया कि उसने ऑथर को काट लिया या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया। And enjoyed to go on walk with the author. और ऑथर के साथ वॉक पे जाना उसको पसंद था। तो इन सब बातों से हमको पता चलता है वो फ्रेंडली भी है, सोशल भी है और वो इंटेलिजेंट भी है। What are some of the things we come to know about otters from the text? Otters के बारे में हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं? Otters are mostly found in large number in marshy areas. Marshy areas मतलब दलदली एरिया में जहाँ पानी वगैरह बहुत सारा होगा वहां मिलेगा। दूसरी बात हमको क्या पता चलती है, Arabs tame them as pets. अरब के जो लोग हैं ज्यादातर उनको पेट बना के रखते हैं। Otters love to play with water. Otters को पानी से खेलना बहुत पसंद है। We also come to know that otters are intelligent and fun-loving. और हमको एक बात और पता चलती है, otters intelligent होते हैं और fun-loving animals होते हैं। Why is Miss species now known to the world as Maxwell's otter? ये हमने already कर लिया है, दोबारा देख लो। Geologist gave him a name as, geologist ने ये अजीब सा नाम दिया था, इसमें last में Maxwell ही आ रहा है, इसीलिए इसको short में Maxwell otter कहा जाता है। Children, इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में, देखता हूँ कितने बच्चे right answer देते हैं। मिज हैड डेवलप्ड अ गेम विद, मिज ने एक गेम डेवलप कर लिया था, किसके साथ, बैट के साथ, सूटकेस के साथ, वॉल के साथ या नन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।